पक्ष के अंदर भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चक्षुणा समरो साधु साधु स्वेतेन समरो हाड़ेन समरो साधु साधु जिह्वाय समरो। अर्थात ये जो पांच इंद्रिय हैं इनका संयम करना उत्तम है, आँख का संयम करना उत्तम है, कान का संयम करना उत्तम है, नाक का संयम करना उत्तम है और जिह्वा का संयम करना उत्तम है और उसी के आधार पर ये कायानुसति चल रहा है। अगली जो कुछ पंक्तियां हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ फिर से कि कायेन समरो साधु साधु वाचाय समरो मनसा समरो साधु साधु सबत समरो सबत समतो भिक्षु सब दुखा प्रमुच्यते। अर्थात शरीर का संयम करना भला है, अच्छा है, पानी का संयम करना अच्छा है, मन का संयम करना अच्छा है, ऊपर जो बताई हुई सभी जो इंद्रियां हैं उनको जो भी संयम रखता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, पिछले हफ्ते हमने भव चक्र के जो तीन प्राणी हैं उनमें से एक प्राणी सुअर है जिसके नकारात्मक जो गुण हमारे अंदर भरे हुए हैं उनको निकालने के लिए बार बार धमचारी प्रज्ञा रश्मि जी, धमचारी नाग रतन जी, कभी कभी मुझे मौका मिलता तो मैं भी बताता हूँ, लेकिन कायानुसति के माध्यम में पिछले हफ्ते मैंने आपको सुअर के जो सकारात्मक गुण है उनके बारे में बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था ये जो भी गुण है उनको अपने अंदर देखना चाहिए, उनको विकसित करना चाहिए। जिस तरीके से काया के अंगों को हम बोल बोल कर उसकी भावना करते हैं उसी तरह से हमने सकारात्मक गुणों को बार बार बोल करके जो कि हमारे अंदर मौजूद है बीज रूप में उनकी बार बार भावना करनी चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। उससे पहले हमने बताया था मुर्गे के पांच गुण सकारात्मक बताए थे, तीसरा प्राणी रह गया था तो आज मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं और वो है द्वेष का प्रतीक सर्प। अगर इसका उल्टा किया जाए द्वेष का उल्टा होता है मैत्री। तो आज हम सर्प के कुछ सकारात्मक गुण बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम सभी को इन गुणों को अपने अंदर विकसित करना है। वैसे तो ये उपदेश या देशना भगवान बुद्ध के ऊपर है और भंते नागसेन ने राजा मिलिंद को दी है। हम सभी राजा मिलिंद से कम नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत बड़ी प्रज्ञा विकसित हुई है बाबा साहब के आने के बाद में। तो हमें भी अपने आप को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो सांप के जो तीन गुण हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है, भंते नागसेन आप जो कहते हैं कि सांप के तीन गुण होने चाहिए भिक्षु में या साधक में, ये तीन गुण कौन कौन से हैं? तो भंते नागसेन उनको बताते हैं, महाराज पहला गुण सांप पेट के बल सरक सरक करके चलता है, पेट के बल सरक सरक के चलता है। इसी प्रकार से साधना करने वाले, फिर वो चाहे भिक्षु हो या साधक हो, उन्हें
इसी तरह से कायानुसती का ध्यान बहुत आराम आराम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सरक सरक कर करना चाहिए। ये प्रज्ञा के बल पर करना चाहिए। इस तरीके से करना चाहिए प्रज्ञा के बल पर, जिस तरह से सांप जमीन पर लेट लेट के सरक सरक के चलता है, वैसे हमें प्रज्ञा के बल पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इसकी साधना करनी चाहिए। महाराज, प्रज्ञा के बल पर चलने से, इस साधना को करने से उसे सत्य का ज्ञान होता है। वह इच्छु के अनुकूल होने वाली चीजों को ग्रहण करता है और प्रतिकूल होने वाली चीजों को छोड़ देता है। और हम भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बार प्रश्न भी किया था डॉक्टर साहब ने कि आप जो है इसको नकारात्मक रूप में ले रहे हैं तो सकारात्मक रूप में भी होना चाहिए। तो मैं इसीलिए बार बार नकारात्मक सकारात्मक दोनों रूप में लेने का प्रयास करता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान साधना करते समय जो भी मन के अंदर बुरे विचार आते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। महाराज, सांप का यही पहला गुण साधक में होना चाहिए। आगे कहते महाराज, दूसरा गुण सांप का क्या है, फिर भी महाराज सांप चलते हुए जड़ी बूटी से बच करके चलता है, वैसी साधना करने वाले भिक्षु को, विशेषकर कायानुसती ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को या भिक्षु को दुराचार से बच करके चलना चाहिए। आप सभी जानते हैं, लास्ट में डेली हम बोलते हैं जो धम्मपालन गाथा की जो पहली कड़ी, उसमें ये आता है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रयोदपनं एतानुबुद्धानुशासनं। भगवान बुद्ध के धम्म का पूरा सार इन्हीं दो लाइनों में छिपा हुआ है। क्या है, सब पापस अकर्णम, सभी बुरे कर्म है, अकुशल कर्म है, पाप कर्म है, उनसे हमें बचना चाहिए। महाराज, भगवान बुद्ध ने दो किन्नरों को हल्ला टिक जातक में कहा है, हे शिकारी, जो हम लोगों ने एक रात बिताई है अपनी इच्छा के विरुद्ध एक दूसरे के ख्याल में, उसी एक रात का पछतावा करते हुए हम शोक करते हैं, वह रात फिर कभी नहीं आएगी। अर्थात जब कोई भी हम अकुशल कर्म करते हैं बहुत पछतावा होता है, और वो पछतावा इतना लंबा हो जाता है, एक रात के बराबर हो जाता है, और कई बार तो वो पूरी जिंदगी भर पछतावा बना रहता है। इसलिए हमने जो भी ध्यान साधना करने वाले, काफी लंबे समय से हम लोग यहाँ पर हैं, तो हमें ध्यान साधना करते वक्त जब भी अकुशल विचार आता है तो नाक में का जुकाम समझ करके तुरंत उसे बाहर फेंक देना चाहिए। आगे राजा मिलन बंते नागसेन से कहते हैं, बंते नागसेन, अगला तीसरा गुण जो सर्प का है तो क्या होना चाहिए। तो बंते नागसेन बताते हैं कि महाराज, ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है ये तीसरा गुण हम सभी के लिए। क्या कहते हैं महाराज, फिर भी सांप मनुष्य को देखकर ही डर करके घबरा जाता है। और हम क्या कहते हैं कि सांप से हम डरते हैं, सच तो ये सांप भी हमसे डरता है। इसका मतलब क्या है, सर्प के मन में, हालांकि वो मन नहीं होता है चिंतन वाला जो हमारे अंदर होता है, सर्प भी हमें देख करके डर जाता है। इसका मतलब
हमें समझ जाना चाहिए। ऐसे ही योग साधना करने वाले, विशेषकर छठी पठान का अभ्यास करने वाले साधक या भिक्षु को पूरे विचारों में पढ़ करके अपने आप को ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने वाला समझकर, उसका ख्याल कर, उससे डर कर घबरा जाना चाहिए कि हम साधना करने वाले हैं, हम सीलों का पालन करने वाले हैं, हमारे अंदर ये बुरा विचार कैसे आ गया, क्यों आ गया, हमें उससे घबराना चाहिए, डरना चाहिए, बचना चाहिए। आज के दिन में गफलत आ गया था या गफलत में पड़ गया था, अब इस हानि को जल्द पूरा नहीं किया जा सकता। गलती होने पर उसका एहसास होना चाहिए, गलत विचारों से घबरा जाना चाहिए। सांप का यही तीसरा गुण साधक में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक सांप का दूसरा बड़ा और मोटा भाई होता है, गुजरात में मोटा भाई कहते हैं बड़े भाई को, उसका भी एक विशेष गुण होता है, हम सभी साधक उसके अंदर होना चाहिए। इस तरीके से हम चौथा गुण भी इसको ले सकते हैं। भंते नागसेन कहते हैं कि महाराज हमारे अंदर अजगर का भी एक गुण हो जाना चाहिए, एक गुण होना चाहिए, विशेषकर साधना करने वाले, और साधना करने वालों में भी जो उम्र से भी सीनियर हैं, उनके लिए विशेष ये गुण हमें सीखना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, जिनकी इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता, उनके लिए क्या है वो गुण? भंते नाथ सिंह कहते हैं महाराज के साथ शरीर वाला बेचारा अजगर बहुत दिनों तक पेट पर भोजन नहीं मिलने से भूखा पड़ा रहता, तो भी उसे जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसे ही खा करके जीता रहता है। वैसे ही ध्यान साधना करने वाले, चाहे वो भिक्षु हो या साधक हो, विशेषकर सती पठान का अभ्यास करने वाले साधकों को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे भिक्षु को पिंडपात से पेट पालने वाले, अपने कुछ भी नहीं लेने वाले भिक्षु को बराबर पेट भर आहार मिलना, यानी कि पेट भर भोजन मिलना दुर्लभ है, तब अच्छी मानसिकता रखते हुए सभी प्राणी मात्र के हितार मंगल कामना करते हुए चार पांच कौर भोजन करके ही बाकी पेट को पानी से भर लेना चाहिए। महाराज अजगर का यही एक गुण भिक्षु में और साधक में होना चाहिए। महाराज धर्म सेनापति स्थिर सारी पुत्र ने भी कहा है, क्या कहा है? गीला या सूखा कुछ भी खाते हुए खूब कस करके नहीं खा लेना चाहिए, खाली पेट या थोड़ा ही खाकर रहने वाला बन इच्छु प्रवजित हो गए, चार पांच और खाने के बाद कुछ भी ना मिले तो पानी पी ले, आत्म संयम भिक्षु के लिए बस यही काफी है। आचार्य शांति देवी बोधचर्या अवतार में कहते हैं, मोह फुला करके, मोह को भर भर के, आवाज निकाल करके, चप चप करके खाना नहीं खाना चाहिए, पैर पसार करके भी खाना नहीं खाना चाहिए, खाते समय इसकी जागृति साधकों को रखनी चाहिए। तो ये जो तीन गुण
सर्प के और एक अजगर का गुण मैंने बताया है, तो हमें आज के ध्यान में अपने शरीरों शरीर के अंगों का चिंतन करते समय हमें उनको देखना है, और अंत में जो शरीर की या जीवन की जो पांच सत्यताएं हैं, ये जीवन जरा धर्मी है, मरण धर्मी है, व्याधि धर्मी है, उसमें से जरा भक्तों के अंदर से छोटी सी, बहुत छोटी सी गाथा कह करके मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। ये जरा भक्तों के अंदर उत्तरी थेरी की गाथा है, कथा है। ये शरीर रोगों का घर है, ये शरीर व्याधि धर्मी है। इसका मतलब क्या है? जब हमने जन्म लिया है तो ये सब जो भी बताया है अभी, ये सब आने वाला ही है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, और उसके साथ साथ अनात्म भी है। तो हमें क्या करना है? इसको सुनने से हमें चिंतन करना है, ये जो जीवन हमें मिला है ऐसा ही रहने वाला नहीं है। हमें जो कुछ भी करना है, जो भी कुशल कर्म करने हैं प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए, मन के विकास के लिए, जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षाटन करने के लिए गए हुए थे, और उस दिन 120 वर्ष की आयु वाली एक उत्तरी नाम की थेरी भी उसी गली में भिक्षाटन करने के लिए गई हुई थी, जिस गली के अंदर भगवान बुद्ध यानी कि हमारे शास्ता वहां गए हुए थे। जब उत्तरी थेरी ने शास्ता को सामने से आते हुए देखा तो वो थोड़ा सिकुड़ करके बचने का प्रयास, एक तरफ होने का प्रयास करने लगी, और जल्दी जल्दी में जैसे वो कर रही थी, क्योंकि वो वृद्ध थी, शरीर कमजोर था, तो अपने आप को किनारे पे करते करते उसके चीवर का एक कोना उसके पैरों से ही दब गया और वो वहां पर गिर गई। तो भगवान बुद्ध ने जब ये देखा तो वह उसके पास गए और बोले, भगनी, तेरा शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, कुछ ही दिनों में नाश को प्राप्त हो जाएगा, कह करके इस गाथा को कहा। परिजीर्ण मृदंग रूपं रोग निगं पभुगरं इज्जति पूति संदेहो मरणंतम ही जीवितं। अर्थात ये जो रूप है कितना ही सुंदर क्यों न हो, ये जीर्ण रोगों का घर है और भंगुर है, ये गंदा शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है, जीवन मृत्यु पर्यंत होता है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो भाई और बहनों, सही में इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमें जो मौका मिला है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की वजह से, तो हमें जो भी दिल्ली केंद्र से या त्रियत्न बोध महासंघ के अन्य केंद्रों से जो भी ध्यान सिखाए जा रहे हैं, विशेषकर यहाँ पर आनापान शक्ति का अभ्यास किस लिए कराया जाता है? ताकि हमारा शरीर और मन का संतुलन हो जाए, एक रूप हो जाए, और जब एक रूप हो जाता है, जैसे पानी ठहरता है तो कहीं न कहीं वो फैलने का प्रयास करता है, निचली जगह को देखता है। तो हमें भी जब हमारा शरीर और मन एक रूप होता है तो हमें प्राणी मात्र के हितार्थ उनकी मंगल कामना करना चाहिए।
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन के अंदर स्थिरता आएगी, सकारात्मकता आएगी। फिर हमें चिंतन करना चाहिए, ये जो शरीर हमें मिला है किसकी वजह से मिला है, हमें जिनकी वजह से ये शरीर मिला है मात्र उनका चिंतन ही नहीं करना चाहिए, बल उनका बार बार पुण्यानुमोदन करना चाहिए, उनकी वजह से मुझे ये शरीर मिला। और उसके बाद में चिंतन करना चाहिए ये दोबारा मुझे जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें इसी जन्म में जो कुछ करना है कर लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो भंते संग्रचित कहते हैं कि हमें श्रोतापन की अवस्था तक तो पहुंचना ही चाहिए। तो आज कायानुसती के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर जो भी अंग हैं उनको बहुत ही सहजता से देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी ने मुझे सुन लिया है, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, कर्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने मुझे जो संधि दी है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं और यहीं रुकता हूं। सभी को मेरा फिर से प्यार भरा जय भी, नमो बुद्धाय, कर्मचारी प्रज्ञा रश्मि।